अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे दोस्त। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 826 से 830 तक। तो चलें फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ई खरी नेयंगवा खत्थंग गोशल खोर शिपशियो। इस तहरीर का नीचे दिया हुआ जो सही लफ्ज़ है या सही बात है उसको आपने पकड़ना है, तलाश करना है। हक क्यों एक खालते स्कूल जाते वक़्त छिब आपे घर के सामने हायन खांगा जी का सफ़ेद कलर का कुत्ते का बच्चा हनमारी एक मारी जानवरों की इकाई है। इन्नन गोसल फोआ समनिदा मौजूद मैंने देखा था क्रोन दे लेकिन हक क्योगा स्कूल कुन्ना गो छिबे खत्म करके घर वासलते तो आया तो फिर भी खु खांगा जी का वो कुत्ते का बच्चा उदी छिब आपे हमारे घर के सामने ईसो समनिदा मौजूद था। आमा मेरे ख्याल में खीरल रास्ता ईरो बोरिन भूलना गोस खत समनिदा गया था। वो कहता है कि मेरे ख्याल में वो रास्ता भूल गया था। नानन खु खांगा जी डल मैंने वो कुत्ते का बच्चा छिबरो थेरी को घर की तरफ ले आया। थरो वासाओ दाखिल होने के बाद दाखिल हुआ केकशी मुख्यो कल शिक्षो को चिक्की को उसको साफ सुथरा किया नलाया मोगल गोसल चूहो समनिदा और खाने के लिए दिया। उसने कहा कि मैंने उस कुत्ते के बच्चे को अपनी घर की तरफ ले आया और उसको नहला कर साफ सुथरा किया और खाने के लिए दिया। खड़ी गो और फिर छोंगिए कागज़ पर खांगा जी डल ईरो बोरिन भूनन जो अपना कुत्ते का बच्चा भूल गया है वो शख्स योल्ला खा शिपशियो राबता करे रागो सौ सौ का लिखा कहा और लिख कर उरी छिब थेमुन आपे बुछो समनिदा और हमारे घर का जो बाहर दरवाज़ा है उसके साथ है, चिपका दिया। खरो ना लेकिन हंदारी छीना तो एक महीना गुजर गया फिर भी छुई नी मालक जो है नाथा ना जी आना समिदा कोई भी नहीं आया सामने नहीं आया। खुरे साओ इसलिए उरी खाजो कन हमारी फैमिली ने खु खांगा जी डल वो कुत्ते का बच्चा खियू गिरो है समनिदा उसको बड़ा करने का इरादा किया है, उसकी परवरिश करने का इरादा किया है। नानन मैंने आजू खिपो समनिदा बहुत खुश हूँ। खिपो समनिदा बहुत खुश था। हक क्योगा स्कूल कुन्ना गो छिबे खा म्योन खत्म करके घर गया तो खांगा जी नन वो बच्चा जो था कोरी डल हिम दिल म्यो कोरी रल हिम दिल म्यो यानी कि वो जो पूंछ हिलाना ना रल मुझे थंकप के माजी है चुमनी दा खुशी से जो है वो मेरा इस्तकबाल करना या मेरी तरफ है, वो आता था वो दुम हिलाते हुए वो कह रहा है कि मुझे मिलता या मेरे पास आता। तो फ्रेंड इसका जवाब था कि सही जो बात ढूंढनी है। अभी देखते हैं कि खांगा जी रल ओंजे ना हक गयो मुन आपे सो नारल खीदारी मिंदा कि वो बच्चा हर वक्त स्कूल के सामने मेरा इंतज़ार करता था गलत है। इरो बोरिन खांगा जीरल हन दल माँ ने छाजा सो खीपस निंदा वो जो कुत्ते का बच्चा है एक महीना सिर्फ तलाश करने की वजह से खुश था। उरी खाजकन खिद इरो बोरिन खांगा जीरल खियो गिरो है समिता यही इसका जवाब होगा कि हमारी फैमिली ने वो जो रास्ता भूल गया है कुत्ते का बच्चा उसकी परवरिश करने का इरादा किया है। हाय अन खांगा या ये पसो सीजा के हमारी सास समझदा ये भी गलत है कि उसने सफ़ेद कलर का बच्चा एक जो है बाजार से खरीदा। ये नंबर 3 इसका जवाब आप इसको टिक करें और 827 पे आ जाएं। ई खुरे सो इस तहरीन में अलसु ओमनन गोशल मुहशमनी का जो आप नहीं जान सकते वो क्या चीज़ है। हंगू के नन कोरिया में खोपीरल मासीनन सारामी मानची मान कॉफ़ी पीने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं लेकिन छोंथोंग छा तो इंगी का मानसमीदा जो रवायती चाय है उसका वो भी बहुत फेमस है। इंकी का मानसमीदा वो भी काफ़ी फेमस है। छून ख्यूल खमगी खोलियो सलते सर्दी में जो है वो सर्दी में सर्दियों के मौसम में जब आपको ठंड लग जाती है या खांसी लग जाती है के वक़्त तातथान छेंखंग छागा गरम गरम अदरक की चाय यूजा छारल माशी म्यन छोसमनिदा ये सारे अभी चाय चाय के नाम आएंगे। विटामिन सी विटामिन सी का मानन खामिप छा
ना क्यून सा मासीनन गोतो छोसमनी दा। ये सारी चायें हैं, खम इप कहते हैं वो जो पत्ते होते हैं ना उसकी चाय के बारे में। ये सारे क्यूल माल्टे जो होते हैं उनके मुतल्लिक कह रहे हैं, ये सारी चाय के नाम हैं। खिचिमी शिमहान, खांसी ज़्यादा हो तो सारम एगे मोगवा सागा छोको, ये भी चाय का नाम है। उसने कहा कि बहुत ज़्यादा आपको खांसी हो ना तो फिर उसके लिए मोगवा छा अच्छी है। वी गा छोची आना सोवा गा छल अंधेन सारमदर एगे गुक्वा छागा छोसनीदा। उसने कहा कि अगर आपका पेट सही ना हो, कोई और बीमारी हो तो उसके लिए गुक्वा छा, ये भी चाय का नाम है। पता नहीं कौन कौन सी चाय है, ये अच्छी है। खरी गो इसके बाद फीबू, ए फीबू चेहरे को जो आपका होती है ना बॉडी उसको कहते हैं। छोहन मेशिन छा दो, इसम निदा मेशिल छा दो, इसम निदा मेशिल छा भी मौजूद है। इजे खोपी नन खुमन मासी को, इस वक्त कॉफी रल नहीं पीते खोंखांगे छोहन हंग गुक छोंथोंग छा रल मासियो फोनन गे उत्तल कायो, के जो आपके दिल को अच्छी लगे रवायती चाह वो पिए तो कैसा रहेगा। तो फ्रेंड ये आपने पढ़ा, तो अभी इसमें देखते हैं कि इसमें जो नहीं बात वो ढूंढनी है। हंगुक छोंथोंग चाई छोंगड़ियो, कोरिया की चाय की इकसाम। छोंथोंग छारल मांदनन छेड़ियो, छोंथोंग रवायती चाय बनाने का मवाद। खिचिमी शिमहल ते माशीनन छा, खोपीरल मोह में अनछोन यू। अच्छा ये देखें नंबर 4 जवाब है इसका। उसने कहा कि कॉफ़ी जो है वो जिस्म के लिए अच्छी नहीं है, तो जो इसका तो उसने कुछ नहीं बताया ना कि अच्छी है या नहीं है। तो नंबर 4 इसका जवाब होगा, आप इसको टिक करें और 828 पे आएँ। इशारे में थे हान इस शख्स के बारे में सोलमियों ग्रो वजाहत में माची आनंद गोशल खोर छिपियो, जो सही बात नहीं है वो तलाश करें। उरी हुए साइनन हमारी कंपनी में बेगुक सारमी मानसमीदा, फॉरनर बहुत ज़्यादा हैं। फितना में सो उन सारम तो इको, वियतनाम से आए हुए लोग भी मौजूद हैं। मंगोले सो उन सारम तो इस इको, और मंगोलिया से आए हुए लोग भी मौजूद हैं। छो छोरम मेरी तरह चुंगू के सो, चाइना से उन सारम तो इसमनीदा, आए हुए लोग भी मौजूद हैं। उरीनन हम हंगुकमा रल छर हजी मोथे सो, कोरियन जबान सही ना जानने की वजह से सौरो एक दूसरे को ईजा की रल मानी हाल सु उपस्मिदा, एक दूसरे से हम ज्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकते। खरे सो इसलिए उरीनन थोयो इरे, हम हफ्ते के दिन ईरी कुन्नान हुए काम ख़त्म करने के बाद थूशी गान 2 घंटे दोंगान के दौरान हंगुक मारल फेउम निदा, कोरियन जबान सीखते हैं। पल्ली हंगुक मारल फेवो थाओ, जल्दी से कोरियन जबान सीख कर थारन नारा छिंगू दल ग्वा, दूसरे मुल्क के दोस्तों के साथ हंगुक मार लो। कोरियन जबान में ईजा की रल छर हाल सू इसो सुमियन छोखे समिदा, हम दूसरे मुल्कों के साथ कोरियन जबान में बात कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स अभी देखते हैं इसका क्या जवाब है। चुंगुक सारम इमनीदा, ये चाइना का शख्स है। हंगुक मारल छारम निदा, ये कोरियन जबान बहुत अच्छी जानता है। थोयो इरे हंगुक मारल फेउम निदा, हफ्ते के दिन कोरियन जबान सीखते हैं। वेगु के मानी वेगु किन मानन वे साय सो इरल हाम निदा, जहाँ बहुत ज़्यादा फॉरनर हैं वहाँ काम करता है। तो क्या ढूंढना था? सोलमियोंग्रो माजी आनंद गोशल, जो गलत बात है वो ढूंढनी थी ना, तो हाँ गुमारल छारम नहीं था। वो कह रहा है कि कोरियन जबान बहुत अच्छी आती है, तो ये गलत बात है, उनको कोरियन जबान नहीं आती, उसने सारी तफसील बताई है। तो नंबर 2 आप इसको टिक करें, ये इसका जवाब है। और इसके साथ 829 पे आए फ्रेंड्स। ई सारामी, ये शख्स हंगुक सेंगवारे साओ, कोरियन लाइफ में हिम दल गए नक्कीनन सोमन मौसम निका, जो इसको मुश्किल चीज़ महसूस हुई वो क्या है। इस शख्स को कोरिया में, कोरिया की लाइफ में मुश्किल होने वाली चीज़ क्या है। छोनन फेतना में सो वासोयो वासमनीदा, मैं वियतनाम से आया हूँ। छीगा मन खिमची न रल मांदनन खोंगजा गए सो इरल हागो इसमनीदा, अब मैं खिमची बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। छेगा माथन इरल, जो मेरा काम है खिमची रल फौजा हानन इरी इमनीदा, वो खिमची की पैकिंग करना है। इरी फ्योलो हिम दलजी आमको, काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है। छेगा छोआ हानन खिमची
इडल मेरी पसंदीदा जो किमची है, नलमा दा मोगल सु इसो सो छोसमनी दा, मैं हर रोज खा सकता हूँ, बहुत अच्छा है। उड़ी खोंगजांगे नैन, हमारी फैक्ट्री में पिथनाम सादामी छो मालगो, सेम योंग थो इसमनी दा। उसने कहा हमारी फैक्ट्री में मुझे निकाल के तीन अफराद और मौजूद हैं, मजीद मौजूद हैं। उड़ी नैन छोन छिंगू का थ्वेक थ्वेक की तेमु ने, हम एक अच्छे दोस्त बन जाएं की वजह खच्ची ईरहा ननगोशी छुलगो पसंदीदा। हम अच्छे दोस्त होने की वजह से काम करना बहुत खुशगवार है। खरों दे लेकिन खोंगजंग फाकरो फैक्ट्री के बाहर नागा म्योन जाएं तो अजी खंग उगमारेल छाल मोथे सो। अभी कोरियन जबान से ही नहीं जानते, जानने की वजह से हिमदलते का मानसमीदा बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं। हंग गुक सारम आपे साओ, कोरियन लोगों के सामने खानदान हान माल तो छर ना हो जी आंसमीदा, एक सादा सी जो बात है वो भी नहीं आती। उसने कहा कि कोरियन लोगों के सामने हम एक सादा सी बात भी नहीं कर सकते। खुदी गो, और फिर हंग गुक सारम मारल छल मोथा अंतरो ते तो मानसमीदा, खरी गो और फिर हंग गुक सारम मारन, कोरियन लोगों की बात छल मोथ आरादरलते तो मानसमीदा। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाते, इस तरह भी बहुत बार हुआ है। तो क्या था फ्रेंड इसको जो सबसे ज़्यादा मसला है वो देखते हैं। हंग उमारल छर मुथाम निदा, वो कोरियन जबान नहीं सही जानते। हंग उमारल अमचीगल छोवा जी आंसमीदा, ये भी गलत है। छिगम इरहा गो इनन इरियो छिगम इरहा गो इनन इरी ओडियो समनीदा, ये भी गलत है। फितनाम छिंगू का हन म्यंग तो इस उपस्मिदा, ये भी गलत है। ये बात सही है हंग उमारल छल मुथाम निदा कि वो कोरियन जबान सही नहीं जानते, यही उनको मसला होता है। तो फ्रेंड इसका जवाब नंबर 1 है, आप इसको टिक करें और 830 पे आए। हम गुगे नन ओन्ना राय सो सेंगसन थेन सागा छेल मानसमीदा, उसने कहा कि कोरिया में किस मुल्क की गाड़ियां जो हैं वो सबसे ज्यादा हैं। इथोन युगन्योन हियोन जे, तो उसने कहा कि 2006 साल में मौजूदा हम गुगे नन कोरिया में छोन युक्तेक मान थे छोंगदोई छादोंग छागा इसमनीदा, उसने कहा कि एक मान में 10,000 होते हैं, यानी कि 1,60,00,000 गाड़ियां तकरीबन जो है वो मौजूद हैं। हंगू की इंगू का सत छोन फल फेक मान म्योंग चोम थेनी का, उसने कहा कि कोरिया की जो आबादी है वो तकरीबन 4,80,00,000 बंदे हैं, ये तकरीबन है। गुकमिन से सारा मिए, उसने कहा कि जो कोरिया वाले हैं हर तीन अफराद में हंदे छोंगदोई छादोंग चारल छक्को इन्नन गोशिम, उसने कहा कि 4,80,00,000 आबादी है लेकिन हर तीसरे बंदे के पास वो गाड़ी मौजूद है। हन गु के इन्नन छादोंग छादरन, कोरिया में मौजूद जो गाड़ियां हैं जुंग में से खुशी खुचम ओप्रोगा हम गुगे सो सेंगसन थेन छा इचिमान, उसने कहा कि 99.5% जो गाड़ियां हैं वो कोरिया में बनती हैं लेकिन थारन नारा है सो दूसरे मुल्क में मानदन छा तो इसमनीदा बनने वाली गाड़ियां भी मौजूद हैं। वेगु के सो मानदन छादों छा जुंगे सो नन, दूसरे मुल्कों में बनी जो गाड़ियां हैं उनमें से थोकिल जर्मनी को कहते हैं छा गा छेल मांखो गाड़ियां सबसे ज्यादा हैं। इल्बोन जापान को कहते हैं छा वा मीगुक छा गा खुथाम रो मानसमीदा, उसने कहा उसके बाद इल्बोन जापान को कहते हैं छा गाड़ी और मीगुक छागा अमेरिका की गाड़ी खुथाम रो उसके बाद मानसमीदा ज्यादा है। तो फ्रेंड किससे फिर 99.5% तो वो कोरिया की है ना, फिर इसका जवाब कोरिया में ही, कोरिया ही होगा नंबर 1, हंगू की है। उसने पूछा था कि कोरिया में सबसे ज्यादा जो गाड़ियां बनती हैं वो किस मुल्क की हैं, तो वो कोरिया की ही बनती हैं, नंबर 1 इसका जवाब है, आप इसको टिक करें। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, आपके 830 पैरे मुकम्मल हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।